बीते कई दिनों से आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर ये इल्जाम लग रहा है कि वे अपने रिटायरमेंट के पास आते आते यूनियन गवर्नमेंट को ऐसे सिंबल्स दे रहे हैं कि वे एक प्रॉपर हिंदू हैं। अब ये बात हमने नहीं कही है, लेकिन लोगों के मन में उठी है, और जिसके बाद हाल ही में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा भी है, खुद को हिंदू दिखाते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यूनियन गवर्नमेंट से फेवर लेना चाहते हैं। ऐसी बात सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कही है, और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जहां पहले तो सीजेआई और पीएम मोदी के साथ में आरती करते हुए फोटोज लीक हुए थे, और जहां सीजेआई ने कुछ दिनों पहले खुद ही कहा था कि अयोध्या जजमेंट के दौरान उन्होंने भगवान को याद किया था। अब अगर लोगों के मन में ये बातें आ रही है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ यूनियन गवर्नमेंट को हमेशा से ही फेवर करते आ रहे हैं, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। अब जो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जल्दी ही रिटायर करेंगे, तो चलिए उनके स्पेसिफिकली कुछ ऐसे जजमेंट्स पर नजर डालते हैं जहां उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ फैसला सुनाया है और उन्हें झटका दिया था। सबसे पहले जिस जजमेंट का नाम इस लिस्ट में शामिल है वो है केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, जिस समय तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ केवल सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। इस केस में रिटायर्ड जस्टिस केएस पुत्तस्वामी ने यूनियन द्वारा पेश किए गए आधार स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था, ये कहते हुए कि ये लोगों की प्राइवेसी को हैम्पर करता है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट आधार को बैंक अकाउंट और सारे पर्सनल डिटेल से जोड़ना चाहती थी। अब भले सुप्रीम कोर्ट की एक 9-जज बेंच ने आधार स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, पर इसमें लीड जजमेंट लिखते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने राइट टू प्राइवेसी के पॉइंट पर जोर दिया था, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रीड करने का फैसला लिया था। प्राइवेसी के फेवर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कितनी बार कहा है ये हम सभी जानते हैं, और इसलिए भी शायद इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस के दौरान ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी कि कैसे उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट द्वारा पेश किए गए स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, वो भी तब जब उन्होंने पाया कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट को हैम्पर करता है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जीबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के सामने ये सवाल आया था कि क्या यूनियन द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जारी रखना चाहिए या इसे स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। इसलिए भी क्योंकि पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण और एक्स्ट्रा लॉयर्स ने इस बात पर जोर दिया था कि ये स्कीम लोगों के राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करती है। सीजेआई ने यहाँ तक स्टेट कर दिया था कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकिंग एंड मे ऑल्सो लीड टू क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स व्हिच मे बेनिफिट द पार्टी इन पावर। अब जहां सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूनियन को खूब झटका मिला था और उनके ऊपर सवालों की बौछार होने लगी थी, उसी के बीच में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को भी इस केस में खूब फटकार लगाई थी, जब एसबीआई उनके ऑर्डर्स को वायलेट करते हुए पाई गई थी। असल में क्या हुआ था कि अपना ये फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करती थी, को ऑर्डर देते हुए स्टेट किया था कि दे मस्ट डिस्क्लोज डिटेल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिसीव्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड प्रोवाइड ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय मार्च 6, और ऐसा ही करने में वे असफल रहे थे, और जिसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम की मांग भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से की थी। जब एसबीआई द्वारा ये टाइम एक्सटेंशन की प्ली आई, तो हियरिंग की शुरुआत में ही एसबीआई की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए बताया कि एसबीआई को सारे इन्फॉर्मेशन देने में 30 जून तक का समय चाहिए ही चाहिए, एंड स्टेटेड वी नीड अ लिटिल मोर टाइम टू कम्प्लाई विद योर लॉर्डशिप्स ऑर्डर। सीनियर एडवोकेट सालवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया है, पर जो दो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको मैच करना काफी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है, और इसके लिए ही उन्हें टाइम चाहिए। हालांकि इस मौके पर सीजेआई ने एसबीआई को पलट जवाब देते हुए कह दिया कि उन्होंने एसबीआई को डेटा मैच करने बोला ही नहीं है, और बस इतना कहा है कि वे उस डेटा को डिस्क्लोज कर रहे जिससे ये पता चले कि किसने किन पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डोनेशन दिया है, एंड स्टेटेड व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर आर टू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन साइलोज एंड रीमैचिंग देम वुड रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट, बट इफ यू सी द डायरेक्शन वी इशूड, वी डिड नॉट आस्क यू टू डू दिस मैचिंग एक्सरसाइज, वी हैव सिंपली डायरेक्टेड प्लेन डिस्क्लोजर, द grounds on which you seek additional time do not accord at all with the directions we issued। सीजेआई की फटकार सुनकर सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि वे ये नहीं कह रहे कि उनके पास डेटा नहीं है, पर एसबीआई को बताया गया था कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें डोनर की प्राइवेसी को भी मेंटेन रखना काफी जरूरी है, और आर्ग्यू करते हुए कहा, वी हैव द डिटेल्स, आई एम नॉट सेइंग वी डोंट हैव देम, but we were told that this was supposed to be secret, that is how we devised the mechanism, we don't want to create any havoc by making any mistake। हालांकि ये सुनकर जस्टिस खन्ना ने फटकारते हुए कह दिया था कि यहाँ कोई मिस्टेक नहीं हो रही है और एसबीआई को ये डेटा सबमिट करने की सख्त जरूरत है, unstated there is no question of any mistake,
यू हैव द KYC, यू आर द नंबर वन बैंक इन द कंट्री, वी एक्सपेक्ट यू टू हैंडल इट। इस हियरिंग में CJDY चंद्रचूर को कुछ एडवोकेट्स पर भड़कते हुए भी देखा गया था, और एक नजर इस क्लिप पर डाल देते हैं। One at a time. Sorry, Mr. Rabi. Yes. No, Malala, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute a adjudicator. This judgment doesn't constitute a constitutional adjudicator. One second. Yes. One second. This judgment is void. Please listen to me. One second. I am a citizen of this country. One second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a hyper corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rohatgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, there's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, one second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No, we will go by what you are watching. All, please. Whatever you are watching, we will go by that. We want another contempt notice. No, my lord, your lordship, we will go by what you are watching. Only I said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't constitute us. It is not a Please, once we have said no, please move the application by email. What your lordship says. Do not continue and persist. Yes, I only said it was not a representative proceeding. अब इस केस के अलावा एक और जजमेंट ऐसा है जिसमें CJDY चंद्रचूर यूनियन के खिलाफ नजर आए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की 5-judge बेंच ने अल्टीमेटली यूनियन के फेवर में फैसला दिया था, पर CJ ने इस केस में अपनी डिसेंट देते हुए मामले को संगीन कर दिया था। और यहां हम बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज केस की। इन द लैंडमार्क केस डीलिंग विद द लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, CJ चंद्रचूर एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ सेम सेक्स कपल्स टू लिव विद डिग्निटी एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू ग्रांट सर्टेन लीगल प्रोटेक्शंस टू सेम सेक्स रिलेशनशिप्स। अब भले CJDY चंद्रचूर इस मैरिज को लीगलाइज करने में चूक गए थे, पर उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बहुत फटकारा था फॉर देयर रेजिस्टेंस इन रिकॉग्नाइजिंग LGBTQ+ राइट्स एंड एम्फसाइज्ड इक्वलिटी एंड द फंडामेंटल राइट टू लव। ये सब कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जो दर्शाते हैं CJDY चंद्रचूर स्ट्रॉन्ग स्टांस इन अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड लिमिटिंग गवर्नमेंट ओवररीच। उनकी रूलिंग में कई बार यूनियन गवर्नमेंट को पुशबैक करते हुए देखा गया है व्हेन इट्स एक्शंस कॉन्फ्लिक्ट विद सिटीजंस फंडामेंटल राइट्स और लैक ट्रांसपेरेंसी। और इसके बावजूद भी कुछ लोग मानते हैं कि वे कम्प्लीटली यूनियन के फेवर में रहते हैं। अब इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।